बसपा कल्याण टाइम से आपका स्वागत है। डॉक्टर भीमन्ना खंडे की उम्र 100 साल होने पर 2 दिसंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे से BKIT इंजीनियरिंग कॉलेज भालकी बिदर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर भीमन्ना खंडे जन्म शतमान उत्सव हागू लोकनायक अभिनंदन प्रोग्राम रखा गया है। इसी प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस लीडर बसवराज सोमी ने डॉक्टर भीमन्ना खंडे को मुबारकबाद दिया और इस प्रोग्राम में आने के लिए पब्लिक से अपील की और क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सभी को नमस्कार, मैं बसवराज स्वामी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी बीदर। आने वाले 2 तारीख को, दिसंबर 2 तारीख को हमारे बिदर शेरे बिदर कला में बिदर होली लोकनायक BSS के माजी अध्यक्ष और वीरशैव महासभा के राष्ट्रीय माजी अध्यक्ष और बिदर जिला के माजी पालक मंत्री, 2 बार MLA, 1 बार MLC, हमारे बसव कल्याण के अनु मंडप का जो स्टोन फाउंडेशन हो रहा था, बहुत बड़ा उनका एक अहम रोल था। हम सभी का बिदर जिले के नेते सन्मान श्री भीमन्ना खंडे साहब का शतमानोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है बालकी में। इस कार्यक्रम को हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सन्मान श्री डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कर्नाटक के लोकप्रिय नेता, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सन्मान श्री सिद्धरामय्या साहब और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और कर्नाटक सरकार के उपमुख्यमंत्री, डायनेमिक लीडर सन्मान श्री DK शिवकुमार जी और MB पाटिल साहब, राजशेखर पाटिल साहब, ऐसे कई लोग हमारे मंत्री लोग हैं, मंत्रीगण हैं और मठाधीश है, सब इस प्रोग्राम को आ रहे हैं। 2 तारीख को मिनिमम 1 लाख लोगों के आने की अंदेशा है। ये प्रोग्राम बालकी में इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्राउंड में हो रहा है। भीमन्ना खंडे साहब के बोलने के लिए एक दिन भी बस नहीं होता, मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलता हूँ कि भीमन्ना खंडे साहब जब उनके पीरियड में थे, हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। उनके साथ में लोग थे आर्यू बड्डापा, BSS फैक्ट्री के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किए और बिदर जिले के लिए बहुत बड़ा काम किए, वीरशैव महासमाज के हॉस्टल निकाले, बच्चों के लिए बहुत मदद किए और बेंगलुरु सिटी में एक बहुत बड़ा असर बनाया हमारे समाज के लिए। उसी तरह से उनके आज उनके जो बेटे हैं हमारे नेता हम लायल, जिसको कहते हैं सन्मान श्री ईश्वर खंडे जी, आज हमारे जिला उत्सव के मंत्री है। उनके फैमिली में उनके माता जी का बहुत बड़ा अहम रोल था, बल्को सुनते थे हम उनके माता जी भीमन्ना खंडे साहब के, मिसेस लक्ष्मी दिवंगत खंडे जी। उनका एक ईश्वर खंडे साहब का एक जगह बोलना सुना था मैं, उनके माता जी का एक अनुशासन, डिसिप्लिन, एक अच्छा एक संस्कार आज ये फैमिली को एक आइडल फैमिली बना दिए। हम नई जनरेशन के लिए, हम के लिए एक आइडल है। इनका एक 100 साल का एक बहुत लंबा सफ़र में अप डाउन बहुत देखे सो इन्हों, जब 85 में इलेक्शन हारे उस टाइम पे ऐसा मैं सुना था कि एक जगह उन्होंने अपने मित्र को बोले थे, मेरे हालत का अंदाज़ा मालूम नहीं है मुझको, मेरे हालत का अंदाज़ा मालूम नहीं है मुझको, और ऐसे सुन रहा हूँ कि परेशान हूँ मैं। ऐसे परेशानियों से, ऐसे अप डाउन से आज उनका एक हमारे लीडर, आज हमारे बिदर जिले के एक आंखें, लोगों के एक आशा किरण ईश्वर खंडे साहब का आज अगर नाम आए तो मुख्यमंत्री लेवल का उनका नाम आ रहा है। ये ओनली उनके मिसेस भीमन्ना खंडे साहब का, मिसेस लक्ष्मीबाई और भीमन्ना खंडे साहब का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है जो ये फैमिली यहाँ तक आ गए हैं। और उनका तो हमारे वीरशैव महासभा के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बसों के लिए अभिवृद्धि मंडल में एक इंजीनियर आया था बीजापुर से, उन्होंने मेरे को बोले, साहब मेरे को नौकरी का ऑर्डर नहीं दे रहे थे, फिरा रहे थे, बहुत भी फिर रहा था बेंगलुरु में, कोई तो बोले कि भीमन्ना खंडे के पास जाओ, बोल तो मैं गया था, उन्होंने फोन लगा मेरे को ऑर्डर दिला दिए। उनका एक वही उनका एक एक ये था समझे, एक इमेज था स्टेट लेवल में। आज भी हमारे समाज में और हमारे स्टेट में और सभी हमारे समाज लोगों को बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, इनका बहुत बड़ा देन है। और स्पेशली वीरशैव महासभा उसके हॉस्टल खोले बच्चों के लिए, उनके लिए रहने के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन का। बस को बालकी में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल को कई लोगों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा, लोगों को एजुकेशन के लिए काम किए, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किए, पॉलिटिशन में काम किए, बहुत बड़ा रोल है। ऐसा एक हमारा एक नेता का और हमारा एक शताब्दी का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को बहुत लोग आ रहे हैं। मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग सब भी आपको इस प्रोग्राम को, जलसे को कामयाब बनाए और मैं प्रे करता हूँ कि विश्वगुरु बसवानगर सब उनको
बच्चों से पास मैं ये करता हूँ कि इनको और अच्छी ज़िंदगी दे और लंबी उम्र दे। आगे इनका एक मार्गदर्शन, इनका एक आडल हम सब के लिए जीवन में लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल है। सभी के मैं वंस अगेन बोलता हूँ कि यह कार्यक्रम को सब जने आना चाहिए और बहुत जल्द से जल्द लोग ज़्यादा लोग आपको इस जलसे को कामयाब करने की कोशिश कीजिए। मेरे को दो बात बोलने के लिए जो अवकाश दिए आप लोगों को मैं धन्यवाद हूँ। सभी को बोलता हूँ वंस अगेन आप सभी लोग 2 तारीख के दिन पालकी को इस प्रोग्राम को आपको कामयाब करने के लिए कोशिश कीजिए बोलकर मेरा एक विनती है। 8ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುರಾನ್ ಪ್ರವಚನ ಇದೇ December 13, 14 ಹಾಗೂ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಚನಕಾರರಾದ ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಾವು ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ASM ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ನಾಲೆಜ್ ಪಾರ್ಕ್, ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಕುರಾಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಿವಾಲಿ ಆಫರ್, 6% ಆಫ್ ಆನ್ MRP.